एक बार एक फ्लाइट पे एक आदमी बैठा था, उसके बगल में एक बच्ची बैठी थी और वो बच्ची हैरी पॉटर पढ़ रही थी किताब। और हैरी पॉटर पढ़ते पढ़ते यूं देखती, हंसती, स्माइल करती, पढ़ती, सब अपना अपना काम कर रहे थे। और फिर वो एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट की कि सबको पता लगा कि प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा है। एयर होस्टेस ने कहा कि अभी हम कॉफी चाय नहीं सर्व कर सकते क्योंकि प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा है, थोड़ा टर्बुलेंस कम हो जाने पर हम आपको बेवरेजेस सर्व करेंगे। सबको पता लगा कि ये केवल टर्बुलेंस नहीं, कुछ तो गड़बड़ है हवाई जहाज में, इतनी जोर से हिल रहा है, नीचे गिर रहा है जोर जोर से आसमान में। डर गए सब, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। और पायलट ने अनाउंस किया कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी। जब पायलट ने अनाउंस किया कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो, सब बिल्कुल घबरा गए, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पैनिक की स्टेट। और ये बच्ची हैरी पॉटर पढ़ रही थी, अभी भी मुस्कुराते हुए हैरी पॉटर पढ़ रही थी। बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, लेडीज, सब लोग चिल्ला रहे, ये बच्ची बस किताब पढ़ के मुस्कुरा रही थी। फाइनली लैंडिंग हो गया, इमरजेंसी लैंडिंग। किसी को कुछ नहीं हुआ, छोटी छोटी करोचे थोड़ी हुई, कुछ नहीं हुआ गड़बड़। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे, चिल्ला रहे, हिप हिप हुर्रा, बच गए हम, सेलिब्रेशन। तब वो जो आदमी बैठा था उस लड़की के बगल में, उसने पूछा, बेटा इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, प्लेन हवा जहाज पूरा ऊपर नीचे, सब घबरा रहे थे, सब चीख रहे थे, सब डरे हुए थे, तुमको डर नहीं लगा बेटा? तुम तो मुस्कुरा रही थी, हैरी पॉटर पढ़ रही थी तुम। लड़की ने कहा, नहीं नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। बोले, कैसे? तो बच्चे ने कहा, क्योंकि इस हवाई जहाज, इस फ्लाइट के पायलट मेरे पापा है, और जब हवाई जहाज के पायलट पापा है तो मैं क्यों चिंता करूं लैंडिंग की? बाकी सबकी बात तो दूर, मेरे पापा को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लगे किसी भी हालत में मेरी बेटी को सही तरीके से लैंडिंग कर। जब पापा उधर है तो मैं क्यों चिंता करूं? चिंतन क्या है कि पापा प्लेन चला रहे हैं ना, जब पापा प्लेन चला रहे हैं ये चिंतन है, तब फिर बच्चे को चिंता करने की क्या जरूरत है ना। और इसीलिए जीवन में चाहे कितनी मुसीबतें, कितनी कठिनाइयां, कितनी ही प्रॉब्लम्स, कितनी दुविधाएं आती रहे, जब आपको ये पता लगे कि ईश्वर आपके साथ है हमेशा, इस चिंतन से चिंता धीरे धीरे घटती है।